अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। वित्त एवं संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना के मेरठ दौरे के दौरान अफसर व कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। सर्किट हाउस में एक अधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी की छात्र नेता राहुल विकल से तीखी नोकझोंक हो गई। इस पर वहां हंगामा खड़ा हो गया। हालात बिगड़ते देख जिलाधिकारी दीपक मीणा को हस्तक्षेप करते हुए यह कहना पड़ा कि फिलहाल मंत्री जी मेरठ में हैं, बाद में बैठकर इस मामले को सुलटा लिया जाएगा। आइए देखते हैं क्या नजारा रहा मौके पर। आपकी बात मुझे समझ में आ गई है ना, ये भी हो जाए प्रोग्राम, मैं भी यही हूँ, इसको जो भी रिजोल्व करना है हम लोग बात करके रिजोल्व करते हैं, ठीक है। पर उस चीज को जिस तरीके से बदतमीजी से बात की है, भीड़ में चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। आप ना कि इतनी पोलाइट तरीके से बात करी, हम लोग भी तो अच्छा लगा। मेरी बात मान लो इतनी बात, हम तो बाहर खड़े हैं, आसानी से अंदर गए। ऐसी चलो यहाँ से बाहर चलो, कोई बात नहीं, मेरी बात मान लो भैया। शिव साहब बदतमीजी कर रहे हैं। अब कोई अब रुक जा, अब इन सब चीजों के बाद में मीडिया को राहुल विकल ने यह जानकारी दी। बदतमीजी कर रहे थे और कुछ नहीं था। किसने कोई अपने आप को रहेगा सीओ साहब? क्या मामला हुआ? एक मिनट रुक जाओ, बाहर खड़े थे, रुक जाओ, बता दो। और हम अंदर जा रहे थे, यहाँ धूप लग रही थी, हमने कहा चलो अंदर खड़े होते हैं, तो सीओ साहब बोले हाँ कौन है, बाहर चलो। उन बैठे बैठे कुर्सी पे से खड़े भी नहीं हुए और बहुत बदतमीज तरीके से बात करी है। हम अभी अपने मंत्री बैठक में, उनसे बाद में बात करेंगे। डीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया। मैं राहुल विकल हूँ, युवा मोर्चा का क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। अच्छा, जब अंदर जाने के लिए आपने कहा था, नहीं हम मंत्री के पास नहीं जाना चाह रहे थे, यही गेट से अंदर जो ये खड़ा होने का स्थान पंखा चल रहा है, हम केवल यहाँ खड़ा होना चाह रहे थे गर्मी के कारण। हमें अंदर नहीं जाना था क्योंकि मेरे साथ के ही अपने जो दानिश जी हैं, राज्य मंत्री हैं, वो मेरे मित्र हैं, उनसे मैं मिलना आया था, उन्होंने बुलाया था, अभी वो अंदर बैठे हुए थे, हम इसलिए बाहर चले। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी बैठक चल रही है। सीओ साहब और एक एसडीएम जो बता रहे हैं अपने आपको कि मैं एसडीएम हूँ, उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करने का प्रयास किया। किस तरह से वीडियोग्राफी भी करी है? किस तरह से बदतमीजी? आप समझते होंगे कि लैंग्वेज अधिकारी की माने तो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बदतमीजी। डीएम साहब आए, उन्होंने बहुत पोलाइटली हमसे बात की है, बोले मैं इस बात पे बाद में संज्ञान लूंगा और हम इस चीज पे लेकर जरूर प्रदर्शन भी करेंगे। नौकरशाही और अफसरशाही बेलगाम है, आप लोगों से भी अभद्रता की जा रही है, आम जनता से क्या होता होगा? ये बात आपकी जो आप कह रहे हैं, इस पे मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, ये कुछ चुनिंदा अफसर और अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, ऊपर से कोई इस प्रकार की तानाशाही करने का काम नहीं है। सीओ कौन थे? सीओ बृजेश सिंह थे, मुझे नेम प्लेट दिखा रहे थे, जो तुम्हें बिगाड़ना हो मेरा बिगाड़ लेना। मेरठ शहर में ऐसे अधिकारी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ना हम उनको यहाँ रहने देंगे। अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी है किसी भी अधिकारी के, तो वो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल के रखा है। मेरठ में हम जैसे अगर युवा छात्र राजनीति कर रहे हैं, मैंने 10 साल चौधरी चंद्र सिंह यूनिवर्सिटी में एबीवीपी में राजनीति की है, तो उन्हें लगता होगा कि मैं आम कार्यकर्ता हूं, तो वो अपने इन बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल के रखें। क्या आप उनका तबादला किए जाने की मांग करेंगे? तबादला अगर करने की मांग करेंगे तो दूसरा अधिकारी भी यही कहेगा फिर कि मेरा भी तबादला करा दो। हम किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं चाहते, हम उसी अधिकारी से जनता के बीच और जनता का ठीक काम चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप किस तरह से आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, कहाँ कहाँ कराएंगे? हम इसकी आपत्ति दर्ज माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर कराएंगे, जो बृजेश जी ने हमें अपना नेम प्लेट दिखाई है, और एसडीएम साहब, उनका नाम हमें पता नहीं है, उसका नाम पता करके उसकी जानकारी करके कौन है, वो है भी एसडीएम या नहीं है, फर्जी एसडीएम है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑन टीवी। नमस्कार।